आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2024 का काउंसलिंग प्रोसेस कब तक स्टार्ट होगा। काफ़ी स्टूडेंट जो परेशान हो गए हैं, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब इस वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आपका किस तरह से बीएससी पैरामेडिकल 2024 का काउंसलिंग होगा और किस तरह से आपको सीट अलॉटमेंट होने वाला है। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है emsexam.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो सारे आपको रिजल्ट वगैरह मिल जाएंगे। अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो EWS और OBC से, जो इन दो कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना था। SC ST को कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना और जनरल का कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता है। अब इन स्टूडेंट्स ने जो अपलोड किया है 16 तारीख जो लास्ट डेट था, अब आपका इनको जिनका जिन स्टूडेंट्स का रिजेक्ट होगा, इनमें से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने स्टेट का अपलोड किया होगा, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता और वेरी डेट में नहीं था, तो उन स्टूडेंट्स का जनरल से काउंसलिंग होगा। मतलब वो EWS एंड OBC से होते हुए भी उनकी काउंसलिंग है वो जनरल से होगी, जनरल कैटेगरी से होगी, क्योंकि उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं है, या आप यहाँ मान सकते हो कि वेरी डेट में नहीं है। ठीक है, अब ईमेल आएगा आपको, जिन स्टूडेंट्स का रिजेक्ट होगा केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को ईमेल आएगा। यदि आपके पास ईमेल नहीं आया है तो इसका मतलब ये है कि आपका डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड है और आपको अपना कैटेगरी का बेनिफिट है वो मिलने वाला है। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। जिन स्टूडेंट्स को ईमेल आया उन्हें रीअपलोडिंग का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद आपको काउंसलिंग की शेड्यूल है वो जारी किए जाएंगे। इट मीन्स आपको अभी इंतजार करना होगा, एक वीक के अंदर अंदर आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब किस तरह से यहाँ पे काउंसलिंग होती है, इसके लिए यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग एम्स दिल्ली कितने रैंक तक मिलेगा, कौन सा कोर्स एम्स दिल्ली में, यदि ज़्यादा स्कोर है तो कौन से कॉलेज आपको मिलेगा, कौन सा कोर्सेस है वो आपको मिलने, तो इस तरह से आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट राउंड की बात करें, यदि आप हमारे काउंसलिंग के मेंटोरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हो, जो 4 साल की एक्सपीरियंस टीम है जो आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस करके देगी, जिसमें आपको पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन आपके रैंक और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग के साथ एक अच्छा कोर्सेस के साथ एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिलवा सकती है। साथ ही साथ आपका चॉइस लॉक करेगी, उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, सारी प्रोसेस है। जब तक आपको सीट नहीं मिल जाता तब तक हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी और आपका काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना हो तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो कि हमें काउंसलिंग प्रोसेस करवाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो किस तरह से होगा। जैसे कि आपका यहाँ पे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और उसके बाद ओपन राउंड होगा, 3 राउंड यहाँ पे करवाए जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट राउंड में एक बार ही चॉइस फिलिंग होगा। यदि आपने इस चॉइस फिलिंग में गलतियाँ की तो उसके बाद आप सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग में फिर से नहीं कर सकते, उसके बाद डायरेक्ट आप ओपन राउंड में ही जो अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग फिर से कर सकते हो और यहाँ पर आपको ₹5,000 पे करना होगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए यदि आपकी रैंक अच्छी है तो आप अच्छी कॉलेज के साथ अच्छे कोर्सेस में एडमिशन ले, ताकि आपको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं हो कि मेरी रैंक अच्छी होते हुए भी मुझे अच्छी कॉलेज नहीं मिला। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। यदि काउंसलिंग के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप हमारी टीम का हेल्प ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन चार्ज ₹699 है, जिसमें आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस A to Z इन्फॉर्मेशन और उसके साथ ही साथ आगे प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ लगने वाला है। तो इसलिए आप यदि ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन हो सकते हो, वेरी टीम के साथ आप अपना काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हो। आपको सारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि किस तरह से काउंसलिंग आएगा। अभी आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होंगे, जिन स्टूडेंट्स का रिजेक्ट होगा उनको फिर से अपलोड करना होगा, उसके बाद में एक काउंसलिंग शेड्यूल है वो एक वीक के अंदर आपका नेक्स्ट वीक तक जारी हो जाएगा और आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। सारी प्रॉब्लम हमने सारे डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर द BSc पैरामेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस एंड एडमिशन प्रोसेस। इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, ताकि आपको एक भी डाउट है, एक भी कन्फ्यूजन्स है वो नहीं रहे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।